नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जेंट्स हाफ स्वेटर के वी नेक में बॉर्डर बनाएंगे दो सिलाई से। तो इसे बनाने के लिए थोड़ा सा मैं आपको इस स्वेटर के बारे में बता दूं। इस स्वेटर में 111 फंदे थे। मुड्ढों पे हमने 5 3 2 1 करके 11 11 फंदे घटा दिए और गले में एक साइड में 16 फंदे और दूसरे साइड में 16 फंदे घटाए, 5 फंदे लगातार और फिर 11 फंदे एक एक सीधी लाइन छोड़ के, यानी अल्टरनेट हमने लाइन में घटाए और अब शोल्डर पे 28 फंदे रह गए हैं। तो अब हमें इन दोनों पार्ट्स को आपस में जोड़ना है। बैक पार्ट को हमने 4 लाइन पहले, देखिए ये गला घटा दिया है और दोनों साइड में 28 28 फंदे हैं और बीच के फंदे हमने घटा दिए। तो अब हम इन दोनों साइड के शोल्डर में से किसी एक साइड को जोड़ देंगे और एक साइड को खुला छोड़ेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये धागा इस साइड में है और अब हम दोनों सिलाइयों में से एक एक फंदे लेंगे और दोनों को एक साथ लेते हुए उल्टा फंदा बना लेंगे। नेक्स्ट दोनों सिलाइयों से एक एक फंदे लेंगे, एक उल्टा फंदा बनाएंगे और पीछे वाले फंदे को आगे वाले पे चढ़ा देंगे। नेक्स्ट दोनों सिलाइयों से एक एक फंदा लेंगे, दोनों को एक साथ लेते हुए उल्टा बुनेंगे, पीछे वाला फंदा आगे वाले पे चढ़ा देंगे। या फिर इस तीसरी सिलाई पे एक इस सिलाई से फिर दूसरे सिलाई से ऐसे करते हुए तीसरी सिलाई पे सारे फंदे उतार लेंगे। तो हमने तीसरी सिलाई में सारे फंदे उतार लिए। अब इन्हें वापस हम दूसरी सिलाई में कर लेंगे क्योंकि हमारा थ्रेड यहाँ पे है। अब देखिए सारे फंदे दो दो के पेयर में आ गए हैं। अब एक फंदा ये और दो फंदे, यानी तीन फंदों को एक साथ लेके हम एक उल्टा फंदा बनाएंगे। फिर वापस इसे बाईं सिलाई में चलाएंगे, दो फंदों को और लेंगे, तीन फंदा लेकर तीन का एक करते चले जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने सारे फंदे जोड़ लिए हैं। अब इस लूप में से इस गोले को निकाल लेंगे और टाइट कर देंगे। तो देखिए हमारा ये दोनों पार्ट आपस में जुड़ गए। अब हम फंदे उठाएंगे। तो फंदे हम सामने की तरफ से उठाते हैं। तो हमारा थ्रेड यहाँ पे है और अब हम फंदा उठाना शुरू करेंगे। पास पास हम फंदे उठाते जाएंगे, जितने फंदे आसानी से उठ जाएं। तो देखिए फ्रेंड्स, 70 फंदे हमने उठाए हैं और 10 नंबर की सिलाई यूज किया है। सिलाई हमेशा वही लेते हैं जिससे हम नीचे का बॉर्डर बनाते हैं। तो नीचे का बॉर्डर भी मैंने 10 नंबर की सिलाई पर ही बनाया था। तो मैंने 70 फंदे उठाए। अब दूसरी साइड भी हम 70 फंदे ही उठाएंगे। इसको ऐसे किनारे करेंगे और फिर इस साइड भी हम 70 फंदे उठाएंगे। तो मैंने दूसरी साइड भी 70 फंदे उठा लिए। अब इस साइड भी 70 फंदे, इस साइड भी 70 फंदे, यानी 140 फंदे हमारे उठ चुके हैं और अब हमारा यह बैक पोर्शन के फंदे उठाने हैं।
और 33 फंदे उठे हैं। अब हम इस सिलाई को हम दूसरे सिलाई पे कर दे रहे हैं। इसका हम फेस नीडल का फेस दूसरी तरफ कर दे रहे हैं ताकि फंदे गिरे नहीं। ऐसा करने से फंदे गिरेंगे नहीं। तो हमने इसका फेस चेंज कर दिया। अब यहाँ पे हमारे 37 फंदे हैं और दोनों फ्रंट साइड में 70-70 फंदे, यानी 177 फंदे टोटल हैं। एक फंदा उल्टा और एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा और एक फंदा सीधा। सिंगल रिब में हम बुनते हुए सेंटर तक आएंगे, यानी जहाँ तक हमने ये सिलाई इसमें फंदे उतारे हैं यहाँ तक पहुँचेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने 69 स्टिचेस बुन लिए हैं। अब ये हमारा 70वां फंदा है। और तो अब क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे हमें फली बनाना है, जो सीधी लाइन जाती है उसे बनाना है। तो क्या करेंगे कि इसको हम पहले सिलाई में चढ़ा लेंगे। अब उन अपनी ओर करेंगे, पहले ये जो फली वाला फंदा है इसमें हम सिलाई डालेंगे और उसके बाद ये जो हमारा 70वां फंदा था उसको लेंगे और दूसरे साइड से एक फंदा लेंगे। अब देखिए ये हमारा फली वाला फंदा जो है वो ऊपर की तरफ आ गया है। तो इन तीनों फंदों को हम एक साथ लेंगे और उल्टा बुनते हुए 3 का 1 कर लेंगे। यहाँ पे हमने 2 फंदे घटा दिए। अब शेष फंदे देखिए, इधर सीधा है तो सीधा उल्टा बुनते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। तो पूरी लाइन कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ये हम रॉन्ग साइड से बुन रहे हैं और ये बॉर्डर का पहला लाइन है। तो हमने पहली लाइन कंप्लीट कर लिया। अब ये बॉर्डर का दूसरा लाइन है और सामने से, तो सीधे पे सीधा और उल्टे पे उल्टा बुनते हुए हम फली वाले फंदे के पास पहुंचेंगे। तो वहां पहुंच के मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, हम फली वाले फंदे के पास आ गए हैं, तो इसको हम आगे कर लेंगे। और सीधा कर लेंगे। अब 3 फंदों को साइड वाले फली वाले फंदे में और फिर दोनों साइड से एक एक फंदे को लेंगे और 3 फंदों को एक साथ लेते हुए 3 का 1 कर देंगे सीधा बुनते। बता दिए शेष फंदों को हम सीधे पे सीधा और उल्टा पे उल्टा बुनते हुए। देखिए फ्रेंड्स, हम फिर फली वाले फंदे के पास आ गए हैं, तो पहले हम फली वाले फंदे को आगे कर लेंगे। फंदों को एक साथ लेते हुए एक उल्टा फंदा बना लेंगे। देखिए फली वाला फंदा हमारा ऊपर की तरफ आ गया है और फिर शेष फंदों को हम सीधे पे सीधा और उल्टे पे उल्टा बुनते हुए लाइन कंप्लीट कर लेंगे। लेना है देखिए फ्रेंड, सीधे फंदे को बुनते हुए और उल्टे फंदे को स्लिप करते हुए हम फली के पास आ गए हैं। यहाँ पे देखिए 10वें लाइन में हम फली के दोनों साइड में उल्टे फंदे हैं और ऐसा ही होना चाहिए। हमारे 3 फंदे एक जैसे यहाँ पे नहीं होने चाहिए, यानी सीधे फंदे के दोनों साइड में सीधा फंदा नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे है सीधे फंदे के बगल में उल्टा फंदा, ऐसे ही होना चाहिए। तो
अब उल्टे वाले फंदे को स्लिप कर लेंगे और सीधे ये फली वाले फंदे को सीधा बुन लेंगे। उल्टे फंदे को स्लिप करेंगे, सीधे वाले फंदे को सीधा बुनते हुए पूरी लाइन कंप्लीट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये 11वां लाइन है और रॉन्ग साइड। तो अब हम इसमें सीधे वाले फंदे को ही बुनेंगे और उल्टे फंदे को स्लिप करेंगे, यानी दोनों साइड से हम सीधे वाले फंदे को बुनते जाएंगे और उल्टे फंदे को स्लिप करेंगे। ये देखिए, पिछली लाइन में हमने इसे स्लिप किया था, तो अब की इसे हम बुनेंगे। उल्टा वाला फंदा रॉन्ग साइड में सीधा हो गया, तो सीधे वाले फंदे को बुनेंगे, उल्टे वाले फंदे को स्लिप कर लेंगे। तो इस तरह हम चार लाइन कंप्लीट करेंगे। तो चार लाइन कंप्लीट करके यानी 10वां, 11वां, 12वां और 13वां, इन चार लाइन को कंप्लीट करके मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने चार लाइन 10वें, 11वें, 12वें और 13वें में सिर्फ सीधे वाले फंदे को बुना है और उल्टे वाले फंदे को स्लिप कर लिया है, और ये 14वां लाइन है और फाइनल रो। इसमें हम थ्रेड थोड़ा लंबा काटेंगे और इसे सुई में डाल देंगे, क्योंकि इस लाइन में अब हमें सिलाई करनी है। तो पहले हम सीधे वाले फंदे में ऐसे सुई डालेंगे। अब ये हमारा उल्टा फंदा है, इसमें हम ऐसे सिलाई डालेंगे। अब वापस देखिए, ये सीधा वाला फंदा है, इसमें ऐसे ऊपर से सिलाई डालेंगे और जो सिलाई में लगा हुआ है उसमें ऐसे अंदर से अब इसे गिरा लेंगे। अब देखिए, अब ये उल्टा फंदा जो था इसमें ऐसे सिलाई डालेंगे और जो सिलाई में लगा हुआ है उसमें ये हमारे ये नीडल के डायरेक्शन में ऐसे डालेंगे, गिरा लेंगे। अब देखिए, ये हमने जो अभी सीधा वाला फंदा बुना है उसमें ऐसे ऊपर से डालेंगे और जो सिलाई में लगा हुआ है उसमें नीडल के अपोजिट डायरेक्शन में, देखिए ये नीडल का ये पॉइंट है, इसके अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे डालेंगे, इसे गिराएंगे और थ्रेड को खींच लेंगे। अब पीछे से ये हमने जो उल्टा फंदा बनाया था इसमें ऐसे ऊपर से ऐसे डालेंगे और जो सिलाई में उल्टा फंदा लगा है इसमें सिलाई के डायरेक्शन में ही ऐसे डालेंगे। देखिए, नीडल के डायरेक्शन में ही ऐसे डालेंगे, इसे गिरा लेंगे। इसे देखिए, अब देखिए जो इधर हमने सीधा फंदा बुना है ये इस लाइन में, अब इसमें हम ऐसे ऊपर से सिलाई, ऊपर से हमने सुई डाला और जो सिलाई में लगा हुआ है इसमें सिलाई के अपोजिट डायरेक्शन में, देखिए ऐसे जैसे हम उल्टा बुनते हैं ऐसे हम पर्ल वाइज डालेंगे, इसे गिराएंगे, थ्रेड को खींच लेंगे। और अब उल्टे साइड से देखिए, ये जो सीधे फंदे की रो आई है इसमें हम सिलाई डालेंगे, इसमें हम सुई डालेंगे और जो उल्टा फंदा है इसमें सुई के डायरेक्शन में ही ऐसे हम डालेंगे, गिराएंगे, थ्रेड को खींच लेंगे। देखिए, हमारी ये सिलाई होनी शुरू हो गई है। फिर से देखिए, ये जो सीधा फंदा है जिसे अभी हमने सिला है इसमें हम ऐसे सुई डालेंगे, इसमें सुई डालेंगे और जो सिलाई में लगा हुआ है फंदा उसमें सिलाई के अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे नीट वाइज डालेंगे, फंदे को गिराएंगे, थ्रेड को खींच लेंगे। और रॉन्ग साइड से जो फंदा हमने अभी सिला है उसमें ऐसे सुई डालेंगे और जो सिलाई में फंदा लगा हुआ है उसमें सुई के डायरेक्शन में ही हम नीडल के डायरेक्शन में ही सुई डालेंगे, थ्रेड को खींच लेंगे।
ना हम बहुत ज़्यादा टाइट करेंगे ना ही बहुत ज़्यादा ढीला करेंगे। सीधे वाले फंदे को सिलते समय हम सामने की तरफ से बुने हुए फंदे में सुई डालेंगे और फिर सिलाई वाले फंदे में नीडल के अपोजिट डायरेक्शन में थ्रेड खींच लेंगे और उल्टे फंदे को सिलते समय ऐसे पीछे की तरफ से हम बुने हुए सिले हुए फंदे में सुई डालेंगे और सिलाई में लगे हुए फंदे यानी उल्टे फंदे में नीडल के डायरेक्शन में ही ऐसे हम डालेंगे। सामने की तरफ से और सीधे फंदे को बुनते समय सामने की तरफ से ऐसे बुने हुए फंदे में सुई डालेंगे और सीधे फंदे में ऐसे सिलाई के अपोजिट डायरेक्शन में और उल्टे फंदे को देखिए ये उल्टा फंदा अब हमें सिलना है तो उल्टे बुने हुए फंदे को पीछे से ऐसे सिलाई डालेंगे ऐसे सिले हुए फंदे में ऐसे पीछे से सिलाई डालेंगे और सिलाई में लगे हुए फंदे में यानी उल्टे फंदे में सिलाई के ही डायरेक्शन में ऐसे सुई डालेंगे गिराएंगे थ्रेड को खींच लेंगे। थ्रेड को न हम बहुत ज़्यादा टाइट रखेंगे और न बहुत ज़्यादा ढीला हमें हाथ को बराबर चलाना होगा तो इसी तरह हम सारे फंदे सिल लेंगे। तो सारे फंदे सिल के मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स सारे फंदे सिले जा चुके हैं। अब ये पीछे की तरफ से ये उल्टे वाले फंदे में हम सिलाई डालेंगे सुई डालेंगे और इस फंदे में ऐसे निकाल लेंगे और हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई। देखिए हमारा देखिए ये कैसे आया है। अब हमें एक शोल्डर को जोड़ना है। तो देखिए फ्रेंड्स हमारा थ्रेड इस तरफ है इसलिए अब हम इसे दूसरी सिलाई में ऐसे उतार लेंगे। और फिर इन दोनों को ऐसे एक के ऊपर एक ऐसे करेंगे और दोनों सिलाइयों से एक एक फंदा लेंगे और उल्टा बुन लेंगे दो का एक कर लेंगे। फिर दोनों सिलाइयों से एक एक फंदा लेंगे दो का एक करेंगे और पीछे वाले फंदे को उठाएंगे और आगे वाले फंदे पे चढ़ा देंगे। दो फंदों को लेंगे दो का एक करेंगे पीछे वाला फंदा उठाएंगे आगे वाले पे चढ़ा देंगे। सिलना देखिए हमारा ये जुड़ना शुरू हो गया है। तो ऐसे ही करते हुए हम सारे फंदे जोड़ लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स सारे फंदे ये जुड़ गए हमारा शोल्डर देखिए जुड़ गया। अब इस लूप में से हम धागे को निकालेंगे और टाइट कर लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स हमारी सुई यहाँ पे है और अब हमें इनकी सिलाई करनी है। एक बार हम इस साइड में डालेंगे और दूसरी बार देखिए ये जो सीधा फंदा दिखाई दे रहा है हमें इसी में डालना है। प्रत्येक फंदे में हम सुई डाल के ऐसे सिलते चले जाएंगे। और अब इसको हम
काट देंगे। देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हमने सिलाई की है। देखिए फ्रेंड्स, वी नेक बनके तैयार हो गया है। आशा है आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।